जब डेविका बनी थी डेविन की प्रेमिका, तो दोनों का प्रेम शुरू हुआ था क्योंकि डेविका ने कॉपी कर लिया था पूरा डेविन के फीचर्स और बन गई थी ओपन सोर्स। लेकिन क्या बोलते हैं ना कि हर लव स्टोरी में ट्रायंगल तो आ ही जाता है। तो ओपन डेविन आ गया, उसने कॉपी कर लिया सारा का सारा वही बिहेवियर, किसका, जैसे डेविका का। यह बहस का विषय है कि डेविका पहले आई कि ओपन डेविन पहले आया, लेकिन दोनों एक जैसे काम कर रहे थे, इसलिए आ गया तीसरा रोल करने वाला हमारा एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम है ओपन डेविन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वही ओपन डेविन की, कैसे वो काम करता है सेम जैसे करता है डेविन और हमारी डेविका। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और दिखाता हूं मैं आपको क्या करता है हमारा ओपन डेविन। तो करता हूं शेयर, स्क्रीन शेयर करते ही आपको दिखेगा यहां पर कि यार ये भी एक गिटहब की रिपोजिटरी है जिसका नाम है github.com/opendevin। यहां पे देखें इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में जाएंगे तो पाएंगे कि यार गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर जितने ही फोल्डर्स होते हैं सारे के सारे हैं। रीडमी डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको गिटहब के अंदर ओपन डेविन की सारी कहानी, क्या करता है ओपन डेविन। तो स्ट्रक्चर बताने से पहले इसके फीचर बताना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा सुंदर सा दिखा देते हैं। नाम इसका है ओपन डेविन कोडलेस मेक मोर। बात तो सही है, हम भी यही चाहते हैं शुरू से। जब नो कोड आया था तब भी लोग यही बात कर रहे थे, लो कोड आया था तभी लोग ये बात कर रहे थे, मतलब लो कोड है ओपन डेविन। तो आगे करते हैं इसका क्या है मिशन, मिशन देखेंगे तो भैया ये भी वैसे के वैसे डेमो दे रहा है जैसे डेविका दी थी। इसने भी एक छोटा सा वीडियो बनाया है और वीडियो को थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं कि कैसे कर रहा है काम हमारा ओपन डेविन। इसने लिखा है हेलो आई एम ओपन। ही देखते हैं डेविन क्या था। सबको पता है डेविन एक तरह का ऑटोनोमस एजेंट था जो कि बनाया गया था मूलतः सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि कोड करना, कोडिटर पे काम करना, वेब ब्राउजर पे चलाना, ये सारा काम होता था किसके थ्रू, हमारे ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन नॉट ओपन, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते थे। तो डेविन ने वही काम कर लिया, उसने LLM यूज किया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डाल दिया। अब कैपेबिलिटीज तो आ गई, लेकिन ये ओपन डेविन क्यों आया भैया, तो इसको ऊपर करके देखते हैं। इसमें लिखा है ओपन डेविन इज अ प्रोजेक्ट दैट इज डिजायर्ड टू रेप्लिकेट, एनहांस एंड इनोवेट बियॉन्ड द ओरिजिनल डेविन मॉडल। जब डेविन मॉडल का इंट्रोडक्शन हुआ था और दिखाया था कॉग्निटिव एआई ने, तो सबको लगा था यार ओपन डेविन तो आ गया, आया ही नहीं है, ये तो डेविन है। तो ओपन सोर्स कम्युनिटी ने सोचा क्यों ना हम लोग रिप्लिकेट करें डेविन को, और डेविका भी आ गई थी तो डेविन दीवाना हो गया था डेविका का, तो ओपन डेविन कहां पीछे रहने वाला था। उसने बताया कि मैं एक तरह का यूजर इंटरफेस दूंगा जिसमें आपके पास में यूजर इंटरफेस रहेगा, जिसमें आप एक चैट कर पाओगे, उसको एक प्रॉम्प्ट डाल पाओगे, उन प्रॉम्प्ट के थ्रू आप बता पाओगे ब्राउजर से कनेक्ट करके रिजल्ट क्या आ रहा है, सारी चीजें उसके पास आएगी। आर्किटेक्चर देखे तो बड़ा शानदार सा इसका स्टेबल एजेंट फ्रेमवर्क था, काफी रोबस्ट था जो लिखा हुआ है यहाँ पे। कैपेबिलिटीज में सारे जितने भी एजेंट्स हैं जो हम लोग देखते हैं, क्लाउडी हो गया आपका, चैट जीपीटी हो गया, तो LLM जितने भी हमारे पास हैं उन सब की API को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके फाइनली हम लोग रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका आगे का कहानी। रिक्वायरमेंट देखें तो इसमें हम तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, लिनक्स, मैक, विंडोज पे, मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, डॉकर भी रखा है इन्होंने कॉन्फिगर करने के लिए, और पाइथन नोड जेएस का जमाना है मित्रों, हमेशा से वही चलता है, तो पाइथन नोड जेएस को सेटअप करो। अब इसको करना बड़ा आसान बताया इन्होंने कि अगर आपको कभी भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो मेक बिल्ड कमांड का इस्तेमाल करो, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को बिल्ड कर पाओगे, मतलब आप यू कैन स्टार्ट सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट, इंस्टॉलिंग ऑल द डिपेंडेंसी एंड योर ओपन डेविन इज रेडी टू रन स्मूथली ऑन योर सिस्टम। फिर करते हैं सेटअप एनवायरनमेंट का। डेफिनेटली आपके पास LLM API होगी, उनकी आपको डालना पड़ेगा, तो setup.setup --config या -config पे जाएंगे तो वहां पे आप सेटअप कर सकते हो उसको, फाइनली यू कैन रन द एप्लीकेशन इन द ब्राउजर। और आप चाहो तो इसको इंडिविजुअल सर्वर सेटअप भी कर सकते हो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए, तो ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। रिसर्च स्ट्रेटेजी सेम है जैसे कि हम लोगों ने देखी थी डेविका की, ये भी टेक्निकल रिसर्च करता है, अल्टीमेटली जो भी आप टास्क क्वेश्चन पूछते हो, प्रॉब्लम पूछते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ढूंढता है, उसमें से बेस्ट चीजें वो लेकर आता है और अपनी एबिलिटीज के साथ वो टास्क को प्लान करता है, एल्गोरिथम डिफाइन करता है, बग को डिटेक्ट करता है और फाइनली कोड को बनाकर ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट को इवेल्युएट करके हमें दिखा देता है। अब आगे बढ़ते हैं और वापस से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोड का। तो यहां पे हम इसका देखें तो यहां पे हम लोग अगर जाएं config.template के अंदर, उस टेम्पलेट में हमें कॉन्फ़िगरेशन सारा दिख जाएगा। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है LLM
अंडरस्कोर एपी अंडरस्कोर की, मतलब यहां पे आपको डालनी है अपनी एलएलएम की को। अब आते हैं आगे और फिर जाते हैं मतलब पीछे, नॉट आगे, और वापस इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और यहां पे हम पढ़ते हैं रीडमी डॉक्यूमेंट, जो हमने सब कुछ अभी तक पढ़ा है। तो सीधा सीधा सुंदर है, साफ सुथरा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। ओपन डेविन के अंदर इसके रिजल्ट्स मार्केट में धीरे धीरे आएंगे, वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, वो सारी बातें यहाँ। तो अगर आपको लगता है कि डेविका है, ओपन डेविन है और अपना डेविन है, तो किसको आप चुनेंगे? क्योंकि तीनों हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, अल्टीमेटली कर रहे हैं वो सारे एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस। ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स की बाहर आ जाएगी, जैसे चैट जीपीटी आया था, उसके बाद गूगल ने अपना बार्ड और जेमिनी का आतंक मचाया था। आतंक नहीं, मार्केट में कितना कुछ किया था, और इसको देखी देखी माइक्रोसॉफ्ट ने और नई नई चीजें निकाली थी। चैट जीपीटी 4 आया था, यहाँ पे क्लाउडी भी आया जिसको गूगल सपोर्ट करता है बैकएंड में, एप्पल का भी कुछ ना कुछ आता है, इवन अमेजन ने अपना क्यू निकाला था। तो अल्टीमेटली सारी चीजें आई थी। वैसे ही मुझे लगता है अब बहुत सारे ओपन सोर्स डेविन आने वाले हैं जो ये काम करने वाले हैं। अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो और लगता है कि अमित आपको कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, टेक्स्ट स्टोरी को सुनते रहें। इसी तरह की नई नई चीजें लेकर आता है आपका अमित।